नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों मैक्सन फार्मा की। देखिए, मैक्सन फार्मा में इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि वापस एक टर्न अराउंड हुआ है। अगर आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये बहुत क्लियर मैंने आपसे बात कही थी। मैंने कहा था 52 के आसपास इसके पास इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, कोई भी एक बड़ी न्यूज़ इसे उसे तोड़ने नहीं देगी, चाहे कितनी भी तेज़ी आपको निचले स्तर पर दिखा दे। और देखिए, वहीं से वापस ये ट्रेस बैक करके 50 रुपये को तोड़ते हुए क्लोजिंग पे से बंद हुआ है। प्लस निचले स्तरों पर 38 से 42 बहुत अच्छा लेवल मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वहां से 20 शेयर ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। अब लोगों को यह है कि भाई आगे क्या। देखिए, पूरी की पूरी फार्म इंडस्ट्री के लिए मैं कहूंगा काफी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो न्यूज आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन एज अ कंज्यूमर वो आपकी जेब और ढीली करेगा। देखिए, आपको मैंने कई बार कहा है ये बात, इन्फ्लेशन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कह लीजिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। इसके पहले कोई लोग ध्यान दे नहीं रहे थे, और मैं पिछले 6 महीनों से तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बोल दिया, 3 से 4 महीनों से मैं चला रहा हूँ कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, हम जैसे कह लीजिए जो मिडिल क्लास पीपल हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या लेके आने वाला है, और वो अब धीरे धीरे हमें दिखाई दे रही है। चर्चा करूंगा मैक्सन फार्मा में अगर गिरावट होती है तो क्या करना है, और मैक्सन फार्मा एज ए स्टॉक से आपको क्या उम्मीद होनी चाहिए, और क्यों मुझे लगता है मैक्सन फार्मा एक बहुत अच्छा आपको कह लीजिए मौका दे रहा है एक्यूमुलेशन का। क्योंकि आने वाले समय में जो चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो कह लीजिए इन्फ्लेशन से बचे रहेंगे, उनमें से एक मुझे ये स्टॉक लगता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो बेल आइकन में जो ऑल नोटिफिकेशन है उसे प्लीज जरूर दबा दीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो ये एक बार चेक कर लीजिए क्या ऑल नोटिफिकेशन ऑन है। अब सीधा मैं आपको लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 2.26% की वापस से गिरावट हुई है, और जो ये आप लॉस देख रहे हैं ना, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो 52 का लेवल है, आपको मैंने कहा है कि ऊपरी स्तरों 52 और निचले स्तरों में 38 से लेकर के 42, ये वो रेंज है ना जो इसे निचले स्तरों में ये तोड़ने में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मंदी चाहिए पूरे बाजार में। सिर्फ स्टॉक की गिरावट इसे नहीं गिरा पाएगी, एक बहुत बड़ी मंदी पूरे बाजार में चाहिए, और 52 का भी तोड़ने के लिए एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ चाहिए। हाँ, तो जो न्यूज़ है पॉजिटिव वो शायद इसे 52 मुझे लगता है पहले तोड़ा दे। क्या है वो आगे बताऊंगा मैं धीरे से, लेकिन देखिए जरा इसका चार्ट देखते हैं। पिछले आप 6 महीने से देखें, 26-26% की गिरावट। और देखिए, मैंने इसे आपको पता है कब खरीदने के बोला था, मुझे याद है ये 67 के आसपास मैंने इसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आप आराम से स्टार्ट करिए एक्यूमुलेशन को, हड़बड़ाइएगा नहीं। वहां से मैंने खरीदारी शुरू की थी, और जब ये 42 के आसपास गया था, देखिए इसका जो अगर आप लो देखेंगे ना, तो ये देखिए ये दिखा रहा है, लेकिन इसने 42 के आसपास गई थी। मैंने कहा था बहुत अच्छा लेवल है एक्यूमुलेशन के लिए और एक अच्छा खासा अमाउंट निवेश करने के लिए। और आप देखिए, इस स्टॉक ने 43 के आसपास से ऑलरेडी 13% तेजी दिखाई थी, और वहां से अब गिरावट शुरू कर दी थी। देखिए, प्रॉब्लम अभी मैक्सन फार्मा में कुछ नहीं है, पूरी फार्मा इंडस्ट्री के सामने एक ही प्रॉब्लम है, वो है दोस्तों ये, जिसे बोलते हैं इनपुट कॉस्ट, यानी कि जो सामान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, इतने महंगे होते जा रहे हैं। और इसी कारण मैं बता दूं आपको कि पूरी फार्मा कंपनी ने तय किया है कि 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से लगभग 11% के आसपास की बढ़ोतरी आपको दामों में देखने मिलेगी, और ये दोस्तों करना बहुत ज़रूरी था एज अ कंपनी। आप समझिए, रॉ मटेरियल लगातार एक्सपेंसिव हो रहे हैं, इनपुट कॉस्ट लगातार एक्सपेंसिव हो रहे हैं, कंपनीज को रेट बढ़ाना ही था, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, और मुझे लगता है ये एज ए निवेशक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, जब बहुत तेज इन्फ्लेशन होता है ना रॉ मटेरियल का, और दवाइयों के दाम बढ़ जाते हैं 10-11-12%, याद रखिएगा कभी वो नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही समय होता है एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक एक्यूमुलेशन करने का, क्या करने का, एक्यूमुलेशन करने का। और मुझे मैक्सन फार्मा अब वैल्यूएशन वाइज बहुत पसंद है दोस्तों। देखिए, मैं ज़्यादा इस बात चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे
तो आपको पता होगा मैं मार्क्सन फार्मा में बहुत समय से वीडियोस बना रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, खास करके लेवल्स में जब ये 40 के आसपास आता है, 42, 43, 44 ऐसे। और अभी भी मैं ये कहूँगा मार्क्सन फार्मा इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज रखेंगे, ठीक है। और अभी देखिए बाजार ना थोड़ा साइडवेज हो सकता है, अभी आप बहुत बड़ी तेजी की कल्पना कृपया ना करें। अभी वो निवेशक जो कैश आने वाले 1 से 2 साल अपने पास रखें उसे आराम से एक्यूमुलेट कीजिए और प्लीज हड़बड़ाइएगा नहीं। मैं आपसे फिर कहूंगा अगर मार्क्सन फार्मा गिरता है, 42 के आसपास आता है, 38 से लेकर के 42 ये वो रेंज है जहां पर काफी अच्छा लेवल हो सकता है एवरेज आउट करने का। और अगर अगर आप फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं प्लीज इसको 42 के आसपास अगर ये आता है, 44-42 के पास बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। और आपको मैं एक चीज डिस्क्लोजर के रूप में पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूं तो ये बता दूं कि मैं पर्सनली मार्क्सन फार्मा को होल्ड करता हूं, लेकिन मेरी होल्ड करने की प्रक्रिया दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए है। और मैं आपको बता दूं मैं चाह रहा हूं मुझे कम से कम दो बैच अभी और इसमें निवेश करना है, जो कि मेरा जो पहला निवेश रहेगा एटलीस्ट 38 to 42, ठीक है, 38 to 42। अगर ये इसके बीच आता है तो मैं अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करूंगा। और एक बार दोस्तों ये 42 के आसपास आ गया, देन इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट मेरी जो रहेगी अभी वो मुझे ये देखना है क्या ये 35 के पास सस्टेन करता है। ये वो रेंज है दोस्तों जहां अगर ये टूटेगा फिर 30 रुपीज के आसपास भी आपको ये शेयर दिखा सकता है। लेकिन देखिए मैं फिर कहूंगा कि मैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस, ठीक है। और देखिए जो लेवल्स हैं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बाजार काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन के कारण प्रेशर में रहने वाला है। यूएस की जो फेड रेट है वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हाइक करेंगे तो बाजार में गिरावट, एक नेक्स्ट गिरावट होने के चांसेस हैं। और जो Q4 के रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ से आ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे कि किसी फार्मा कंपनी की या बाजार में गिरावट होती है तो मार्क्सन फार्मा भी उसमें नहीं बचेगा, लेकिन वो मौका एक्यूमुलेशन का होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। इसीलिए जब तक 38 to 42 जब तक ये रेंज में नहीं आता स्टॉक, कोई भी नेक्स्ट बाय करने की हड़बड़ी प्लीज मत कीजिएगा, वरना जब बहुत अच्छे आपको लेवल्स मिलेंगे एक्यूमुलेशन के तब आपके पास कैश खत्म हो जाएगा। ये मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है और ये मेरी पर्सनल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।